नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की शुरुआत हो रही है 9 फरवरी से। 9 फरवरी से 4 टेस्ट मैचों की यह श्रृंखला खेली जाएगी। ये श्रृंखला अगर भारत जीत जाती है तो भारत खेलेगी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जो जून 2023 में खेला जाएगा। अब ये श्रृंखला भारत के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है ये हम सब जानते हैं और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का इतिहास भी कुछ ऐसा ही रहा है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, बहुत सारी स्लेजिंग देखने को मिलती है, बहुत सारा संघर्ष देखने को मिलता है और बहुत सारे इमोशंस हमें देखने को मिलते हैं। ऐसे में एक बार फिर से ये ऐतिहासिक सीरीज जो है उसकी शुरुआत होने जा रही है 9 फरवरी से। नागपुर में पहला मैच खेला जाएगा, 17 फरवरी से दूसरा मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। इंजरी कंसर्न भारत के लिए सबसे बड़ा कंसर्न रहा है। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैचेस में 12 मैच में 63 विकेट लेने वाला खिलाड़ी अब तैयार हो चुका है, फिट हो चुका है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कोहराम मचाने के लिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सर रविंद्र जडेजा की, या आप कह लें कि जड्डू। रविंद्र जडेजा एशिया कप के दौरान चोटिल हो गए थे, उनके घुटने में चोट लगी थी। नी सर्जरी के बाद काफी सारी तस्वीरें भी उनकी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी और लंबे समय से रविंद्र जडेजा टीम से बाहर चल रहे थे। फिर वो चाहे एशिया कप का आखिरी हाफ हो या फिर पूरा T20 वर्ल्ड कप हो, बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में उनका नाम जरूर लिया गया था लेकिन उसके बाद उनका नाम वापस दे दिया गया था, जिसके बाद से रविंद्र जडेजा NCA में थे। उन्होंने सौराष्ट्र की तरफ से रणजी ट्रॉफी में कप्तानी भी की थी और एक ही पारी में 7 विकेट लेकर BCCI का दरवाजा एक बार फिर से खटखटा दिया था। उसके बाद से NCA में उनका फिटनेस टेस्ट हुआ और उन्होंने फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है, यानी कि हरी झंडी दे दी है BCCI ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रविंद्र जडेजा को टेस्ट मैच खेलने के लिए। यानी कि अब पूरी उम्मीद है कि 12 मैच में 63 विकेट लेने वाला ये खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलता हुआ नजर आएगा। नागपुर की पिच पे स्पिनर्स कितने ज्यादा कारगर साबित हो सकते हैं, इसके अलावा बैटिंग डेप्थ को देखते हुए रविंद्र जडेजा टीम के लिए एक बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी साबित हो सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं। अब कोहराम मचाएंगे कंगारुओं के पास, रविंद्र जडेजा का जवाब क्या होगा या नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी रविंद्र जडेजा फिट हुए हैं। थोड़ा सा ये भी चीज नोट करनी होगी कि फॉर्म में है या नहीं है, क्योंकि एक ही रणजी मैच खेले हैं फिट होने के बाद और अब सीधा भारत और ऑस्ट्रेलिया के मैच में उम्मीद की जा रही है कि रविंद्र जडेजा हमें खेलते हुए नजर आएंगे। इसी बीच एक बड़ा सवाल यह भी खड़ा हो जाता है कि अक्षर पटेल का क्या होगा। अक्षर पटेल ने रविंद्र जडेजा की गैर मौजूदगी में भारत को कई सारे मैचेस जिताए हैं, ना केवल बल्ले से बल्कि गेंदबाजी से भी। अक्षर पटेल ने जो मुकाम हासिल किया है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो BCCI के सामने दुविधा ये हो गई है, कप्तान रोहित शर्मा के सामने ये सवाल खड़ा हो गया कि क्या अक्षर पटेल को ड्रॉप करके रविंद्र जडेजा को मौका मिलेगा प्लेइंग 11 में, या फिर पुरानी कहानी फिर से दोहराई जाएगी कि रविंद्र जडेजा के आते ही जो खिलाड़ी फॉर्म में है, जो खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, उसको टीम से बाहर निकाल दिया जाएगा। रविंद्र जडेजा तैयार है, अक्षर पटेल शादी के बाद से एक बार फिर से कमबैक करने के लिए तैयार है, दोनों में से कौन खेलेगा ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल अच्छी खबर यही है कि रविंद्र जडेजा फिट हो चुके हैं, उनको हरी झंडी मिल चुकी है BCCI से और अब प्लेइंग 11 में शायद रविंद्र जडेजा आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं। 9 फरवरी से पहला टेस्ट मुकाबला नागपुर में होगा। आपको क्या लगता है, अक्षर पटेल को खिलाना चाहिए या रविंद्र जडेजा को खिलाना चाहिए? कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर दीजिए। इसके अलावा अगर अभी तक आपने न्यूज नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखते रहिए न्यूज नेशन।